बकरीद त्यौहार के मद्देनजर शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने कहा कि जनपद वासी त्यौहारों को आपसी मेल मिलाप भाईचारे की भावना से शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, व्यवधान डालने की कोशिश करने वालों की खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन त्यौहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इस अवसर पर उन्होंने साफ सफाई, गड्ढा मुक्त सड़कें, ढीले एवं जर्जर तारपोल को ठीक करने के साथ ही अनवरत रूप से जल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता ना बरती जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि त्यौहारों के दिन कुर्बानी स्थल के आसपास सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो तथा नमाज के समय छुट्टा पशुओं सुअरों के विचरण को पशु नियंत्रण टीम बनाकर प्रतिबंधित किया जाए ताकि नमाज में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलव माथुर ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल भी मुकम्मल व्यवस्था रहेगी, आवश्यकतानुरूप रूट डाइवर्जन भी किया जाएगा। बैठक में एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़, एसपी सिटी ट्रैफिक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। बकरीद का त्यौहार मनाया जाना है, कल के पेपर में एक चीज और निकल गई कि 23 तारीख को भी समारोह मनाया जाएगा। 40वां दिन होता है ना यूजुअली, जो है ईद से 40वां दिन है बकरीद। आप लोगों से तो आप ये कह रहे हैं कि 22 को ही हम लोग अच्छा मनाएंगे, लेकिन चूंकि 23 को बुखारी साहब ने भी शायद 23 के लिए कहा है, तो हो सकता है कुछ जगहों पर लोग 23 को मनाएंगे। जो आप बता दीजिए उसी हिसाब से हम चेक कर लेंगे। हमें पहले बता दीजिए, हम घोषणा करना पड़ेगा। यहाँ कुर्बानी 3 दिन की चली है, तो तीसरा दिन आप लोग कौन चले गए हैं? एक दिन पहले चले गए सर। मेन जो सर इश्यूज हैं वो वही रहते हैं, साफ सफाई मंदिरों के आसपास, सॉरी मस्जिद और ईदगाहों के आसपास सर, प्लस जो कुर्बानी होती है उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है सर, वो डिस्पोज आप कायदे से हो जाए। मीटिंग बुलाई जाती है, सुझाव दिए जाते हैं। हालांकि पहले तो ये परंपरा थी कि जो कार्रवाई होती थी वो लिखी जाती थी, उससे अगली मीटिंग में लगता था कि कौन सा काम छूट गया और कौन सा नहीं होगा। नहीं होता तो दिक्कत होती है, कहने का फायदा क्या होगा? छोटा बरसे हुआ तो पूरा पानी लग जाता है, पेश करने के बाद फिर पेश करने के लिए नहीं मिलता। ये बात उठाई गई थी लेकिन नहीं हो पाया, छोटा सा काम था। वही कह रहे हैं ना, झूलेलाल मंदिर के ठीक सामने से। नहीं सर, आप वहाँ नहीं आए, गोरखनाथ मंदिर आइए। पूर्वांचल हॉस्पिटल आप लोड कराए थे, पूर्जा बातें आप पढ़ेंगे। पूर्वांचल के सामने जो है बिल्कुल थोड़ा सा गड्ढा हो गया है, नमाज का वही रास्ता है और छप छप पर पानी में लोग जब रास्ता अंदर हो गया है, थोड़ा मंदिर है उसके सामने करते हो उसी रास्ता पे गिरेंगे बड़े बड़े हैं जो माइनॉरिटी के मोहल्ले हैं, वहाँ की खासकर की जो नालियाँ हैं एकदम उसको बारिश के बराबर हो रही है, जगह को भी नहीं पानी निकल रखी जा रहा है। अगर निकलेगा ब्लड निकलेगा, ब्लड नहीं बहेगा तो उसका मनी पकड़ी जब जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी, मारी निकलेगा मेरे साथ। इसलिए आदि से काटकर के उस इलाके की सफाई निकालना, कीचड़ निकालना शुरू कर दिया। अभी संतोष जरूर नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो नई व्यवस्था आई है स्वाद विवाद की तो बहुत अच्छी नहीं है, हम देख रहे हैं वहाँ पर बड़ी 3-4 दिन तक पूरा उठाने जब गेल उठता था, इसको आप लोग देख रहे हैं। खासतौर पर कौन सी इलाका है एक्स्ट्रा टीम लगा रहे हैं? आप एक इस्लामी जा रही है, इस्लामिया स्कूल लिखा है उसके पीछे बहुत गंद नदी है, सुंदर देख लीजिए। इस्लामिया स्कूल के पीछे इस्लामिया स्कूल है, गर्ल स्कूल है, उनका कॉलेज है उसके पीछे।